हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे. मेरे यूट्यूब फैमिली कैसे हो आप लोग, प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे बताना. एंड उसके साथ साथ मैं बताना चाहती हूँ, बहुत बड़ी सैड थिंग्स है. आई डोंट नो कैसे रिकवर होगा ये, बट स्टिल आई एम ट्राइंग. एंड मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ कि क्या क्या हुआ है. सो सीधा मुद्दे पे आते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है. ऐसा है कि कल कल मुझे एक मेल रिसीव हुआ था यूट्यूब से, ठीक है. उस मेल पे डायरेक्टली लिखा हुआ था कि आपका जो चैनल है वो डिमोनेटाइज्ड कर दिया गया है, ठीक है. क्या क्या कॉपीराइट गया है एंड कोई रीज़न है भी एक्चुअली या नहीं है, ऐसे ही हुआ है यूट्यूब की तरफ से, आई डोंट नो, बट स्टिल मैं दिखाऊंगी. एंड उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी कि आपको कैसे इसको रिकवर करना है, ठीक है. आपको कैसे अपील करना है कि आप चाहते हो आपका यूट्यूब चैनल फिर से मोनेटाइज्ड हो जाए, ठीक है. यहाँ पे दो ऑप्शन रहता है. एक ऑप्शन रहता है आप एक वीडियो बना सकते हो. उस वीडियो में आपको क्या क्या बोलना है मैं बताती हूँ. उस वीडियो में आपको तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बोलना है. फर्स्ट चीज़ है कि आपको ये बताना है आपके जो चैनल पे जितने भी वीडियोस है, लाइव है, शॉर्ट्स है, जो भी है, सब कुछ आपके खुद के कंटेंट है, ठीक है. कहीं से भी लेके आपने अपलोड नहीं किया है, आपके खुद के कंटेंट है, आपके खुद के वॉइस है, आपके खुद के फेस है, ये आपको बोलना है. नाउ सेकेंड चीज़ आपको स्क्रीनशॉट्स पे दिखाना है. स्क्रीनशॉट वीडियो रिकॉर्ड आप फोन से करके दिखाना है या पीसी से कहीं से भी दिखाना है कि आप जो चैनल है आपका वो आप कब से चला रहे हो, ठीक है. आप लोगों को मे भी पता ही है, चैनल पे जाके अबाउट सेक्शन पे जाके दिख जाता है वहाँ पे, ठीक है. थर्ड चीज़ है आप जहाँ से एडिट करते हो, आपका जो रील्स है लाइक शॉर्ट्स है एंड वीडियोज है, आप जहाँ से एडिट करते हो वो पूरा एडिट मेथड आपको दिखाना है. जहाँ से भी किन मास्टर से करो या कहीं से भी करो, इन शॉर्ट से करो, बीएन से करो, कहीं से भी करो, आपको वो दिखाना है, ओके. अभी मैं दिखाती हूँ स्क्रीन पे कि आप लोगों को कैसे कैसे वो करना है. एंड इवन सब टाइटल जो पूरा वीडियो है वो हिंदी पे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है. ऐसा नहीं है कि इंग्लिश पे बनाना है, आप हिंदी पे बनाओ, बट उसके साथ साथ नीचे सब टाइटल आपको देना है, ठीक है. एंड ये चलते हैं, ये रहा मेरा चैनल, ठीक है. ये रही सब वीडियो मेरे, आप लोगों को पता है मेरे खुद के वीडियोस है, खुद के रियल वॉइस से है, कहीं से भी कॉपीराइट नहीं है. ये जो जो कंटेंट है मेरे खुद के कंटेंट से, कहीं से भी कॉपीराइट नहीं है, है कि नहीं. एनीवेज तो आप लोगों को यहाँ पे जाना है, ऊपर जाके यूट्यूब स्टूडियो पे जाना है. यूट्यूब स्टूडियो पे जाने के बाद आपको सीधा कॉपीराइट सेक्शन पे आ जाना है. यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे टोटल 5 है, मे बी हाँ 5 है, ये कॉपीराइटेड है, ठीक है. सो कैसे कैसे कॉपीराइट है, ये बिग बॉस का कुछ है शो, यहाँ पे ये इसका चैनल है, ठीक है. यहाँ पे इसका वीडियो है, ये मैं ज़्यादा नहीं चलाऊंगी क्योंकि, ठीक है, ये इसका है. एंड मेरा जो लाइव स्ट्रीम है, मैंने लाइव स्ट्रीम में एक रिएक्शन दिया था, ठीक है, ये लाइव स्ट्रीम का है, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे तीन चार तो सेम है, ठीक है, बट एक कंटेंट है जहाँ पे मेरा कंटेंट इन्होंने लिया है, लेके अपलोड किया है, बट कॉपीराइट मुझे आया है. सो दिस इज रियली डिसगस्टिंग, आई डोंट नो क्या है ये. ये रहा मेरा गेम प्ले, इनका देखिए, इनका इन्होंने जो अपलोड किया है 22nd of May, ठीक है. एंड मेरा तो लाइव स्ट्रीम चल रहा था एंड उसके बाद मैंने वीडियो अपलोड किया है, ये रहा मेरा जो है ये 6th May. तो समझ रहे हो आप लोग, मेरा कंटेंट लेके वो अपलोड कर रहा है बट कॉपीराइट किसको आ रहा है, मेरे को 100% ऑफ देयर वीडियो. वो वीडियो बना के अगर कभी भी ऐसे मोनेटाइजेशन में दिक्कत हो तो, मतलब मोनेटाइजेशन के बाद दिक्कत हो तो, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सीधा अपलोड कर देना है, ठीक है. एंड आपको अनलिस्टेड पे अपलोड करना है, के पास जो मेल आएगा उस मेल पे आपको उस अनलिस्टेड वीडियो का लिंक आपको दे देना है, बस.
ये रहा इतना तक। इसके बाद ऐसा हुआ कि मैं थोड़ी देर पहले शाम को, आज शाम को, कल शाम से ये हुआ था। वीडियो मैंने 12 बजे तक ही अपलोड कर दिया था रात को। तो आज शाम तक क्या हुआ, मैंने ये देखा। लेट मी शो यू। मेरी जो वीडियो था उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। एंड आई डोंट नो, सब कुछ मैं एडिट करती हूँ। मैंने सब कुछ दिखाया था फुल स्क्रीन रिकॉर्ड करके, उसके साथ साथ यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस है सब कुछ खोल कर अच्छे से दिखाया था। बट आई डोंट नो, ये कोई बहाना यूट्यूब का या क्या है। मेरी 4 साल का जो मेहनत था वो पानी में चला जाने वाला है। और एक ऑप्शन है, जैसे कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी थी कि 4,000 वॉच टाइम का, 1,000 सब्सक्राइबर्स इज ओके। 4,000 सब्सक्राइबर्स करना है, नहीं तो 10 मिलियन व्यू होना चाहिए आपके शॉर्ट्स पे। बोल दिया गया है 1 दिसंबर तक मैं अप्लाई कर सकती हूँ री अप्लाई के लिए, ठीक है, 1 दिसंबर तक। अभी 4,000 वॉच टाइम मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा। अभी आई डोंट नो हो पाएगा कि नहीं, बट स्टिल आई विल ट्राई। थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ आप लोग भी जो भी अपलोड करो यूट्यूब पे, वो बहुत अच्छे से अपलोड करो, देख के अपलोड करो, कहीं भी कुछ नहीं रह जाए, कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आना चाहिए। एंड मुझे पता है आप लोग यही बोलोगे कि ये इतना सा कॉपीराइट क्लेम में कुछ होता नहीं है, बट मुझे नहीं पता मेरे साथ क्यों हुआ है ये, कि यूट्यूब ने क्यों किया है इतना मेहनत करने के बाद में। मेरे पास कोई आंसर नहीं है इसका। एनीवेज गाइस, हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय, टेक केयर।